Hey, what is up everyone? तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर एक्सटेंड हुए ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं है। कुछ लोगों ने जिन लोगों ने रिचार्ज करा लिया है 99 और कोई प्लान साथ में ले लिया है, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। आप अपना काम करो, आप इन्जॉय करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका हमेशा पक्का है कि आपको मिलेगा ही जुलाई 15 तक, तो आप इन्जॉय करो, आराम से डाटा चलाओ। लेकिन अगर आप अभी भी हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में हो, आपने कोई भी रिचार्ज नहीं कराया है, तो शायद आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एक कन्फर्मेशन दिखाऊंगा जियो की तरफ से, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जुलाई 15 तक आपका हैप्पी न्यू ईयर ऑफर एक्सटेंड हो चुका है। आपको जैसे कि पता है, वो पहले मार्च 30 तक था, फिर हुआ अप्रैल 15, फिर अप्रैल 17, अब अप्रैल 19 बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप अपनी माई जियो में माई प्लान्स में जाके देखोगे, तो वहाँ पर शायद आपको अलग डेट्स बताए। कुछ लोगों में अप्रैल 15 बता रहा है, अप्रैल 24 बता रहा है, अप्रैल 29 बता रहा है, एक बंदे में बता रहा है जून 30, और मेरे में ये बता रहा है जुलाई 15 2017। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है अपने ऐप उससे, माई जियो से। ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल अभी का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बता रहा है जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर रिमेनिंग प्रीपेड रिचार्ज एक्सपायर जुलाई 15 2017। नीचे के उस पर ध्यान मत दो, यहाँ पे आप देखो एक्सपायर 15 जुलाई 15 2017। तो ये शायद अभी जुलाई 15 तक ये ऑफ़र शायद एक्सटेंड हो जाए। लेकिन मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों से पूछा, किसी में बता रहा है अप्रैल 30 अप्रैल 29, और जहाँ तक मुझे पता है अभी ये कन्फर्मेशन है अप्रैल 19 की। लेकिन ये कन्फर्मेशन तो चली जा रही है पता नहीं कब से, कि ये ऑफ़र अब ख़त्म होगा, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा तो है नहीं, इसके कुछ चांसेस हैं कि ये ऑफ़र नहीं बढ़ सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने रिचार्ज करा लिया है। अगर अब ये ऑफ़र बढ़ा तो उन लोगों को लगेगा कि उनके पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ़र बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर ये ऑफ़र बढ़ा तो शायद जिन लोगों ने रिचार्ज करा उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑफ़र्स मिले, और शायद उन लोगों का जब भी कभी बाद में पैसे लगे तो उस बैलेंस से वो पैसे कट जाएँ। तो अभी इसकी 50-50% है कि ऑफ़र बढ़ सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, तो अभी ये कुछ कंफर्म नहीं है। आप भी अपने माई जियो में चेक करो कि आपका ये ऑफ़र कब तक दिखा रहा है, कितने टाइम तक दिखा रहा है। और एक और बात, अगर आप अभी भी हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र में हो, तो यार जल्दी से रिचार्ज करा लो, क्योंकि इस ऑफ़र की कोई कंफर्मेशन नहीं है कब ख़त्म हो जाए, कब इसमें क्या आ जाए, कब कोई दिक्कत हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने डिसकंटिन्यूएशन का पीरियड स्टार्ट कर दिया है, और शायद इसी वजह से इतने सारे उनके कस्टमर हैं, तो ये माई जियो की जो ऐप है वो अपडेट नहीं हो पा रही है, तो शायद इसी वजह से अलग अलग रैंडम डेट्स बता रहे हैं। लेकिन अब वो डेट्स बता रहे तो कंफर्म भी हो सकती हैं, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते इस पे। लेकिन अगर आपने रिचार्ज नहीं करा तो करा लो जल्दी से। और एक और बात, अगर आप अभी भी हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र में हो, तो अभी भी आपको 2 से लेकर रात के 5 बजे में आपको डेटा अनलिमिटेड मिलता है, तो आपको जो डाउनलोड करना है अभी कर लो, क्योंकि जैसे ही आपने कोई रिचार्ज करा लिया तो आपका अनलिमिटेड डेटा मिलना बंद हो जाएगा। तो कुछ भी डाउनलोड करना है तो आप अभी कर सकते हो आराम से। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को एंजॉय करो, इस वीडियो को एंजॉय करो, कराई होगा आपने शायद। आपको अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है आपको, तो कमेंट में मुझसे पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। किसी से भी रिलेटेड, जियो से रिलेटेड नहीं, किसी और टॉपिक से भी रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो, क्योंकि जैसे ही इसके बारे में कोई भी कन्फर्मेशन आई, मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर पोस्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगी। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।